नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर यू नो वाचिंग ऑल माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ वीजास एंड वीएफएस एंड हाउ टू अप्लाई शेंगेन वीजा एंड ऑल द अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच, आपने उस पर अच्छे व्यूज दिए, उस पर कमेंट्स दिए और उसे लाइक भी किया वीडियो को। और गाइज, अगर आपने इन केस वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करी हुई है, प्लीज हैव अ लुक सो दैट यू कैन गेट इनसाइट्स। एंड आज मैं बहुत यूनिक टॉपिक लेके आई हूँ और वो यूनिक टॉपिक है इमिग्रेशन प्रोसेस एंड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा। सो गाइज, चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे हम उन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका क्या क्या आंसर हम दे सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, कैसे हम इमिग्रेशन में कॉन्फिडेंट रह सकते हैं और क्या क्या चीजें बहुत जरूरी रहती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। वेल, क्योंकि मैं टूरिस्ट वीजा लगवाती हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट वीजा के इमिग्रेशन क्वेश्चंस ही आपको बता पाऊंगी और उसी के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बेसिकली इमिग्रेशन क्वेश्चंस क्या होते हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या होता है और ये कब कब होता है। तो मान लीजिए कि आपकी फ्लाइट है इंडिया से यूरोप, यूरोप में कोई कंट्री ले लीजिए, फॉर एग्जांपल फ्रांस, तो आपकी फ्लाइट है इंडिया से फ्रांस। सो गाइस, वन वे में दो बार इमिग्रेशन होता है। पहले तो इंडिया में होता है जब आप सिक्योरिटी से पहले होता है, जब आप अपना बैग चेक इन में दे देते हो या जब आप बोर्डिंग पास ले लेते हो, तब जब इमिग्रेशन के लिए जाते हो तब होता है। और दूसरा इमिग्रेशन तब होता है जब आपकी फ्लाइट लैंड कर जाती है यूरोप में, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी फ्लाइट फ्रांस में लैंड करी, तो फ्रांस में लैंड करते ही पहले इमिग्रेशन होता है, उसके बाद ही आप अपना बैगेज कलेक्ट कर सकते हो। सो पहले हम बात करेंगे इंडिया इमिग्रेशन की। सो गाइज, सबसे पहले तो जब हम चेक इन वगैरह करवा लेते हैं, जब हमें बोर्डिंग पास मिल जाता है, तो पहले होता है इंडिया का इमिग्रेशन। उसके लिए हम एक लाइन में लगते हैं, एक अलग से एक काइंड ऑफ एक अलग से बहुत बड़ा हॉल होता है जिस पे लिखा होता है इंटरनेशनल डिपार्चर्स, तो हम उसमें लाइन में लगते हैं। वहाँ पे अलग अलग इमिग्रेशन ऑफिसर्स के काउंटर्स होते हैं, कुछ काउंटर होते हैं नॉर्मल पासपोर्ट के, कुछ काउंटर होते हैं डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के, और उसमें भी वैरायटी होती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल पासपोर्ट में होता है एक लाइन अलग होती है बिजनेस क्लास पैसेंजर्स की और एक लाइन अलग होती है इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स की। तो हम उसमें लाइन में लगते हैं और एक एक बारी करके सबका नंबर आता है। तो पहले तो गाइज मैं आपको बता दूं कि उस एरिया में फोटो वीडियो लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो बेटर यही होता है कि आप फोन वगैरह सब कुछ अंदर रखें और चुपचाप से आप डिसिप्लिन होके उस लाइन में लगे। सो सबसे पहले तो जब आपका नंबर आता है या जब भी किसी का नंबर आता है तो सबसे पहले देना होता है अपना पासपोर्ट और साथ में बोर्डिंग पास भी। सो गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि आप हमेशा ये चीज याद रखिए, अगर तो आप कोई पासपोर्ट कवर यूज करते हैं, यानी कि कोई भी कवर जिसमें आप पासपोर्ट को संभाल के रखते हो, अगर आप कोई भी पासपोर्ट कवर यूज करते हो सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप पासपोर्ट कवर निकाल के पासपोर्ट दो या फिर आप पहले से ही निकाल लो उसे, बिकॉज यूजुअली इमिग्रेशन ऑफिसर्स डोंट लाइक इट, वो आपको रिटर्न करके बोलते हैं कि कवर निकाल के दो, या फिर वो बोल देते या फिर वो खुद से भी कवर निकालते हैं, वो बहुत जल्दीबाजी में निकालते हैं एंड इट डजंट लुक नाइस। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है पहले, क्योंकि मैं यूजुअली कवर यूज करती हूँ, तो जब मैं शुरू शुरू में जाती थी मैं कवर के साथ ही अपना पासपोर्ट दे देती थी, तो मुझे हमेशा बोला जाता था कवर निकाल के दो या फिर वो बहुत जल्दी जल्दी रैशली थोड़ा सा निकालते हैं पासपोर्ट। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमेशा पासपोर्ट कवर से पासपोर्ट निकाल के दीजिए और साथ में बोर्डिंग पास भी दीजिए। सो इसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर आपका पासपोर्ट लेते हैं, उसमें सारी डिटेल्स चेक करते हैं और आपकी फोटो जो उसमें है उससे आपका फेस मैच करते हैं। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको बताऊंगी
साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप उसका आंसर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि उनको भी एक श्योरिटी चाहिए कि आप फॉरेन सेटल होने नहीं जा रहे हो, आप वापस आओगे। इसलिए कभी कभार ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछते हैं इंडियन ऑफिसर्स। सो गाइज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे पहले पूछा जाता है व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है। तो आपको बिना हेजिटेट करे नॉर्मली बताना है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप दो सरनेम लगाते हैं, या आप मेरी तरह कोई सरनेम नहीं लगाते हो, तो कभी कभार उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा क्यों है। उसमें भी आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बिना हेजिटेट करें आंसर देना है कि ये आपने किस तरीके से चूज किया है आपने सरनेम लगाने का, या आपके दो सरनेम क्यों हैं। आप नॉर्मली अच्छे से उसका आंसर दे सकते हो। उसके बाद आपसे कभी कभार ऐसे कुछ ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप टूरिस्ट वीजा पे हो और वो आपसे ट्रिक करने के लिए पूछेंगे कि ओके सो आप वहाँ पे बिजनेस के लिए जा रहे हैं, आपसे ये पूछा जाएगा। तो आपको कहना है कि नहीं, मैं टूरिज्म के लिए जा रही हूँ या टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ। अगर वो बोलेंगे कि ठीक है आप वहाँ जॉब करने जा रहे हो, तो भी आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना है कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल सिर्फ टूरिज्म है, आप सो एंड सो डेज के लिए जा रहे हो। बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपको आंसर करना है ये सारे क्वेश्चंस। कभी कभार वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि आप कहाँ पे रहते हो, आपका रेजिडेंस कहाँ है। सो मान लीजिए अगर आप न्यू दिल्ली में रहते हो, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंटली बताना है कि मैं न्यू दिल्ली रिसाइड करती हूँ, या न्यू दिल्ली में सो एंड सो जगह पे मैं रिसाइड करती हूँ। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं रिसेंटली ऑस्ट्रिया गई थी और मेरा गाइस तब न्यू पासपोर्ट था, वो भी 60 पेजेस का। मेरा ओल्ड पासपोर्ट ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला था, इसलिए मैंने न्यू पासपोर्ट बनवा लिया। तो उस न्यू पासपोर्ट पे मेरा पहला शेंगन वीजा था। वैसे तो मेरे ऑलरेडी 5 शेंगन वीजा हैं, लेकिन उस न्यू पासपोर्ट पे मेरा पहला शेंगन वीजा था। तो मुझसे बहुत ट्रिकी तरीके से इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि मैं तो आपका स्टिकर ढूंढ ही नहीं पा रहा। तो मैंने कहा कि स्टिकर है, आप एक बारी फिर से देखिए, क्योंकि मैंने फिर उनको एक्सप्लेन किया मेरे ऑलरेडी 4-5 शेंगन वीजा हैं मेरे पास, ये जापान का भी शेंगन सॉरी जापान का भी वीजा है, कोरिया का भी वीजा लगा हुआ है पहले। फिर उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नो आई एम स्टिल अनेबल टू फाइंड। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको ओल्ड पासपोर्ट दिखा देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ओल्ड पासपोर्ट दिखाइए। तो इतने जब मैं ओल्ड पासपोर्ट निकालने लगी, उनको स्टिकर मिल गया और उन्होंने बोला कि ओके फाइन। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, लाइक बहुत उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा। इसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप कितने दिन का वहाँ पे स्टे करने वाले हो। तो मैंने उन्हें बहुत पोलाइटली आंसर दिया कि 7 डेज का मैं वहाँ पे स्टे करने वाली हूँ और मैं फिर से इंडिया आ जाऊंगी। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, कि आप क्या करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हो। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। तो इसी तरीके से आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा गाइज वहाँ पे बहुत ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी एज क्या है। एज भी आपको बतानी है अगर आपसे पूछी जाए तो। एज बताने के बाद आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप मैरिड हो या आप अनमैरिड हो, और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और इसके अलावा और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, मगर मोस्टली टूरिस्ट वीजा में ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। मोस्टली यही क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, अक्सर मुझसे भी यही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा ये भी कभी कभार पूछा जाता है आपका वीजा वगैरह ये सब देख के वो पूछते हैं कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि मेरे से पूछा जाता है कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो। तो मैं कहती हूँ यस, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। और इसके अलावा ये भी कभी कभार पूछते हैं कि अच्छा, कि आप इस कंट्री क्यों जा रहे हो, मतलब ऐसा क्या है इस कंट्री में। तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रांस जा रहे हो घूमने, तो
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप फ्रांस क्यों जा रहे हो, मतलब, तो आप ये पूछ आप ये बोल सकते हो कि आपने हमेशा फ्रांस लिटरेचर का आपको शौक रहा है, आर्किटेक्चर का शौक रहा है, आपको आईफिल चार द फेमस मॉन्यूमेंट का शौक रहा है देखने का, एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट. सो आप ऐसे कॉन्फिडेंट होके आंसर कर सकते हो. इसके अलावा गाइज ये भी पूछा जाता है कि आपकी एज क्या है, कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इसमें भी आपको कॉन्फिडेंटली अपनी एज बतानी है. उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि आपका स्टेटस क्या है, दैट मीन्स क्या आप मैरिड हो या फिर आप अनमैरिड हो. तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं नॉर्मली, और बेटर यही रहता है कि आप बिना हेजिटेट करें इन सबके आंसर दीजिए, क्योंकि मोटा मोटा उनको यही रहता है कि एक श्योरिटी मिलनी चाहिए उनको पैसेंजर से कि वो अपनी कंट्री वापस लौटेंगे. वेल, इसके बाद जब आप आपका इंडिया से स्टिकर लग जाता है और आप फ्लाइट में चढ़ जाते हो, फिर जब आप लैंड करते हो यूरोप आ जाते हो, तो यूरोप में भी हर कंट्री, कोई भी कंट्री आप यूरोप की जाओगे तो वहां पे भी इमिग्रेशन होता है. बिना इमिग्रेशन करे आप अपना बैगेज भी चेक इन बैगेज भी कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वहां पे भी इमिग्रेशन में सवाल पूछे जाते हैं. और मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पहले तो वो भी आपका नाम रिकन्फर्म करते हैं, हालांकि मैंने ऐसा देखा नहीं कि उन्हें सरनेम से ज्यादा कुछ मतलब है, तो फर्स्ट नेम वो आपका जरूर कंफर्म करते हैं. और उसके बाद वो आपकी होटल रिजर्वेशन भी पूछते हैं, इनफैक्ट आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस भी मांगते हैं. सो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप वो दोनों चीजें हैंडी रखो, क्योंकि आपसे होटल रिजर्वेशन भी पूछी जाएगी और आपसे ट्रैवल इंश्योरेंस भी पूछा जाएगा, जो आपको एक कॉपी दिखानी पड़ती है, चाहे आप हार्ड कॉपी में दिखाओ या आप सॉफ्ट कॉपी में दिखाओ. इसके अलावा वो भी पर्पस ऑफ ट्रैवल पूछते हैं, और इनफैक्ट कभी कभार वो ये भी पूछते हैं कि क्या आप सिर्फ इसी कंट्री में रहोगे या आपका प्लान है कहीं और जाने का भी. तो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बहुत कॉन्फिडेंटली देने हैं, क्योंकि दोनों तरफ से, चाहे आप इंडिया से इमिग्रेशन करवाओ या यूरोप में जाके आपका इमिग्रेशन हो, दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, उनका पूरा राइट होता है. तो इसलिए बेटर ये रहता है कि आप कॉन्फिडेंटली आंसर करें अपने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत कॉन्फिडेंटली दें. बट समटाइम्स इफ यू आर लकी, तो कभी कभार ऐसा भी होता है, मेरे साथ हुआ है, कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस वीजा पे एक स्टैंप लगता है एंड देन यू आर फ्री टू गो. तो वो बहुत रेयरली होता है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम काफी सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं. सो गाइस, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ कि आप कैसे टैकल कर सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको माइंड में रखनी है अपने इमिग्रेशन के लिए, फिर चाहे वो इंडिया से हो या यूरोप लैंड करते हो. सो गाइस, पहली चीज तो ये है कि बी कॉन्फिडेंट. जैसे मैंने पूरी वीडियो में बोला है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो उन्हें सस्पिशियस कैरेक्टर आप लगोगे, कि उन्हें ना डाउटफुल होगा आप पे, कि जब आप कॉन्फिडेंटली बात ही नहीं कर पा रहे हो तो दैट मीन्स आपको छुपा रहे हो. और दूसरा ये है कि बॉडी मूवमेंट का आपको बहुत ख्याल रखना है. ऐसा नहीं हो कि बात करते करते आप बाल खुजाल रहे हो या फिर आप कंफ्यूज होके कहीं और देख रहे हो, दैट्स एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल. उसके बाद ये भी बहुत अच्छा रहता है अगर आप पोलाइटली आंसर दो, बिल्कुल भी रूडली आंसर मत दो उन्हें, पोलाइटली अच्छे से आप अपने आंसर्स बताइए. इनफैक्ट उन्हें ग्रीट कर सकते हैं आप हेलो बोल के, या फिर जब आपका स्टिकर या स्टैंप लग जाए, ऑलवेज मेक श्योर कि आप उन्हें एक ग्रीट करके थैंक यू जरूर बोलें. इसके अलावा गाइज, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ओल्ड पासपोर्ट जरूर लेके जाओ, बिकॉज कभी कभार पुराना पासपोर्ट भी देख लेते हैं वो. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी भी झूठ मत बोलिए अपने आइटिनरी और अपने ट्रिप के बारे में ऑफिसर से, बिकॉज ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है आपके वीजा स्टैम्प के लिए, वीजा इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए. हमेशा से द ट्रूथ, कभी भी आप झूठ मत बोलो, आप कुछ भी मत बोलो. जिस पर्पस के लिए आप जा रहे हो, जिस पर्पस का आपका वीजा लगा हुआ है, आप उसी पर्पस के बारे में बात करो. अगर आप इधर उधर की बातें करोगे तो उन्हें आप एक सस्पिशियस कैरेक्टर लगोगे और वो आपको आगे जाने से रोक भी सकते हैं. So quickly I will tell you again, फिर से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मोस्ट कॉमन क्या क्या क्वेश्चन होते हैं
योर नेम इज अगेन इम्पोर्टेंट, क्योंकि नाम रिकन्फर्म करते हैं वो. फिर आपका रेजिडेंस कहाँ पे है, उसके बाद आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल कहाँ पे है, उसके बाद आपकी एज क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है. गाइस कभी कभार वो ये भी पूछ लेते हैं कि आप कैसे फंड करने वाले हो. बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी कभार किसी किसी से पूछ लेते हैं कि आप कैसे फंड करने वाले हो अपनी ट्रिप, मतलब आपके पास कैश है या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो. वैसे तो सच में बहुत रेयर होता है ये, बट कभी कभार वो पूछ लेते हैं. और इसके अलावा वो एक क्वेश्चन ये भी है कि आप कितनी बार जा चुके हो, कि आपकी पहली ट्रिप है. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करना है. एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं. आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. माय ईमेल आईडी इज solotrailsbyarushi@gmail.com. ऑल्टरनेटिवली आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है arushi.travels.